देश भर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर्व का हिंदू धर्म में बेहद बता दें, जन्माष्टमी का त्यौहार 26 अगस्त को मनाया जाएगा। इस दिन लड्डू गोपाल की पूजा की जाती है। आधी रात को उनके जन्म का जश्न मनाया जाता है। ब्रज भूमि में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की धूम अभी से ही शुरू हो चुकी है। पर क्या आप जानते हैं, जन्माष्टमी के दिन जाने अनजाने में लोग अक्सर ऐसी भूल कर देते हैं जिसका जीवन पर नकारात्मक असर पड़ता है। ऐसी ही कुछ जानकारियों के लिए हमने देवघर के प्रसिद्ध ऐसे कौन से काम हैं जिन्हें जन्माष्टमी पर करना अशुभ माना जाता है। जन्माष्टमी के दिन बाल या नाखून ना काटें, इसे अशुभ माना जाता है। ये दिन श्री कृष्ण के जन्म का दिन है, इसलिए इस दिन काले वस्त्र ना पहने। ध्यान रखें, भगवान श्री कृष्ण का काले वस्त्रों से श्रृंगार भी ना करें, ये नेगेटिव एनर्जी की वजह बन सकता है। तुलसी का पौधा पूजनीय माना जाता है। अगर आपके घर में भी तुलसी जी का पौधा है तो आपको कुछ खास बातों का ध्यान जरूर रखना चाहिए। जन्माष्टमी के दिन कुछ खास काम जरूर करने चाहिए। जन्माष्टमी के समय खास तौर पर अपने खान पान का ध्यान रखें। श्री कृष्ण के जन्म उत्सव पर तामसिक भोजन का सेवन ना करें, ये बेहद अशुभ माना जाता है। साथ ही रसोई में चावल ना पकाएं, इसके पीछे की क्या वजह है? हिंदू धर्म में गौ माता को पूजा जाता है। भगवान श्री कृष्ण को गाय माता बेहद प्रिय है। इस बात का खास ख्याल रखें कि जन्माष्टमी के दिन गौ माता की सेवा जरूर। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आप भी श्री कृष्ण जन्माष्टमी के बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो सवाल हम तक जरूर पहुंचाएं।